दोस्तों अभी मंच संचालक ने बार बार आपको एक बात कही, वो हमारे चेयरमैन ने उनसे पढ़ाई की है, वो हमें उन्होंने हमको सिखाया है कि कब फंसना चाहिए, कब रोना चाहिए, कब गाली चक बजाना चाहिए और कब गुस्से से अपने मुट्ठी को घींच करके हर अपराध के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करना चाहिए। तो ये वक्त गाली बजाने का नहीं है, ये वक्त मंच पर बैठ करके जगह पाने का नहीं है। आप देखेंगे किस तरह के कार्यक्रम में मंच पर जगह कम पड़ जाता है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की नहीं है कि मंच पर जगह कम पड़ जाए, जरूरत इस बात की है कि देश की सड़कों पर जगह कम पड़ जाना चाहिए। इस जगह अपराध के खिलाफ, इस बलात्कार के खिलाफ ये अपील मैं आप तमाम लोगों से करना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है, इस घटना में एक बात आप लोग स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये किसी व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर का सवाल नहीं है। किसी को एमपी, किसी को सांसद, किसी को एमएलए, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि हम किस तरीके के समाज का कल्पना करना चाहते हैं। हम इस तरीके के समाज का कल्पना करना चाहते हैं कि अगर किसी भी बच्ची के साथ गलत होता है, किसी भी इंसान के साथ गलत होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो या पिछड़ा हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो या महिला हो, चाहे आदिवासी हो, इस देश का गरीब और किसान हो, इस देश का आम इंसान हो, उसके साथ यदि गलत होता है, ये बोल करके इस पूरे के पूरे घटना के पीछे अपना जो जिम्मेवारी छुपाने के लिए कह रहे हैं कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनके ऊपर ये आरोप है। तो मैं आप तमाम लोगों से आज इस खुले मंच से कहता हूँ कि हमारा चेहरा देख लीजिए, हम सबका चेहरा देख लीजिए और याद कर लीजिए, इस देश के अंदर किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ यदि गलत होता है और हम आवाज नहीं उठाते हैं तो हम आपके अपराधी होंगे और हम आपके न्यायालय में, जनता के न्यायालय में हाजिर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्यों इस बात को भटकाया जा रहा है? इस बात को इसलिए भटकाया जा रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो मोदी मोदी का मंत्र जपते हैं, उनको लगता है कि इस देश के अंदर जब भी कोई सवाल उठाया जाए उसको हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, उसको पक्ष विपक्ष में बांट दिया जाए, उसको राहुल गांधी वर्सेज तेजस्वी यादव वर्सेज नरेंद्र मोदी में बांट दिया जाए। मैं कहता चाहता हूँ कि ये न्याय और अन्याय का सवाल है। एक तरफ न्याय का साथ देने के लिए आप लोग सड़कों पे खड़े हैं और दूसरी तरफ अन्यायियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक जोर इकट्ठा हो गया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए ये राजनीति को तय करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है कि हम किस तरीके की समाज का कल्पना करना चाहते हैं। होता है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज को मुखर करेंगे और आज ये जिम्मेवारी बिहार सरकार के ऊपर है, आज ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार के ऊपर है, भाजपा और उसके साथ सरकार बनाए हुए नीतीश। लोग कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इस मामले में आप देर आकर के दुरुस्त नहीं आए हैं। आपने अपनी नीयत हमको स्पष्ट कर दी है कि आप महिला विरोधी हैं और आप बच्चियों के पक्ष में खड़े नहीं हैं, आप ब्रजेश ठाकुर के पक्ष में खड़े हैं जो आपके सरकार के मंत्री के साथ थे। इसलिए दोस्तों आप तमाम लोगों से अपील है कि किसी भी तरीके के राजनीतिक प्रपंच का हिस्सा बने हुए जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस मंत्री साहिबा के पति का नाम आ रहा है उस मंत्री साहिबा को इस्तीफा देना चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी के नाम पे इस पूरे मामले को दबाना नहीं चाहिए। जब तक उन 34 बच्चियों को न्याय नहीं मिलता है तब तक ये संघर्ष जारी रहना चाहिए और इस संघर्ष में पूरी शिद्दत से हम आपके साथ खड़े हैं, हर मोड़ पर हम आपको मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, महिलाओं के लिए लड़ाई जिंदाबाद।